डेट्रॉइट के सितारे। दोस्तों नमस्कार, हर रविवार सेल्यूलॉइड के आसमान से विविध भारती के स्टूडियो में उतरते हैं सेल्यूलॉइड के सितारे। आज के सितारे हैं जाने माने निर्माता निर्देशक रमेश तलवार, इनसे बात कर रहे हैं राजेश जौहरी। दोस्तों आज हमारे स्टूडियो में हमारे फिल्म उद्योग के जाने माने निर्देशक श्री रमेश तलवार उपस्थित हैं। मैं स्टूडियो की ओर से और सभी सुनने वालों की ओर से रमेश जी का अभिवादन करता हूं। नमस्कार रमेश जी। नमस्कार। फिल्मों में आप एक जाने माने हस्ताक्षर हैं निर्देशक के रूप में। इससे पहले कि हम अपने सवालों का सिलसिला आगे बढ़ाएं, एक जिज्ञासा है आपसे जानने की कि फिल्म इंडस्ट्री में आपका आगमन कैसे हुआ, आप कैसे आए फिल्म उद्योग में? मेरे चाचा सागर सरदी राइटर हैं, उन्होंने बहुत प्लेज लिखे हैं फिल्म इंडस्ट्री में, काफ़ी फिल्में लिखी हैं उन्होंने। और जब मैं छोटा था तो एक बार बलराज सहनी जी को अपने प्ले के लिए एक बच्चे की ज़रूरत थी, तो मैं कॉलेज में प्लेज अपने स्कूल में प्लेज वगैरह करता था जी। तो चाचा ने कहा कि भाई तुम बलराज सहनी के प्ले में काम करोगे? तो मैंने कहा क्यों नहीं करूँगा। और वो मुझे संग ले गए जो आर्ट थिएटर में सेंटा क्रूज। तो फिर मैं उनके संग मैंने कुछ दो तीन साल ड्रामे खेले। अच्छा अच्छा। और उसके बाद मैं कॉलेज गया और उन्हीं दिनों एक्चुअली जो आर्ट थिएटर में राजेंद्र भाटिया जो बलराज जी के सेक्रेटरी थे वो वहाँ पे आते थे, तो उनको एक फिल्म बना रहे थे, उसमें बच्चे की ज़रूरत थी। और वो फिल्म थी सौतेला, जो नहीं बनी बाद में, वो EVM में बन रही थी और प्रभु दयाल डायरेक्ट कर रहे थे, तो उसके लिए मेरा चयन हुआ। मैं मद्रास गया और शूटिंग वूटिंग भी की कुछ दिन, बट वो फिल्म उनका कुछ आपसी झगड़ों में बंद हो गई थी। फिर मैंने कुछ और फिल्में की, धूल का फूल में एक बच्चे का रोल किया, उसके बाद फूल और कलियां की बच्चे के रोल में वो अलिफ जबरा जो गाना है वो मैंने गाया था। अच्छा। और उसके बाद फूल और कलियां भी शांताराम जी की पिक्चर में काम किया, जो राम गवाले साहब डायरेक्ट कर रहे थे। तो जब मैं इस फिल्म में काम कर रहा था तो उस वक्त ही मैंने सोचा कि मैं अब इन फिल्म इंडस्ट्री में एंटर करूँगा। मैं जो है मेरी हाइट ज़रा छोटी थी और उस वक्त हीरो लंबे लंबे हुआ करते थे, तो मैंने सोचा मैं निर्देशक बनूँगा, उसके लिए हाइट की ज़रूरत नहीं है। तो फिर मैंने कॉलेज में प्लेस डायरेक्ट करने शुरू किए और उसी दौरान श्री मनमोहन कृष्ण जी से मुलाकात हुई, वो मुझे BR चोपड़ा जी से मिलाने ले गए और इत्तेफाक फिल्म शुरू हो रही थी जो यश जी डायरेक्ट कर रहे थे। अच्छा अच्छा। तो मैं उसमें असिस्टेंट हो गया यश जी के साथ। यश जी के साथ, यानी फिल्म इत्तेफाक से यश जी के साथ सहायक के रूप में आपने अपना डायरेक्टोरियल सफर शुरू किया जी। डायरेक्शन अपने आप में एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, इसमें कई तरह की भावनाएं, कई तरह के एक्सप्रेशंस और एक मतलब जिंदगी को जीने जैसा काम होता है। तो यश जी के साथ काम करते हुए, क्योंकि हर डायरेक्टर का अपना एक अंदाज होता है डायरेक्शन का, तो आपका स्कूलिंग जाहिर है यश चोपड़ा का स्कूलिंग हो गया जी। तो आपने यश जी से क्या सीखा डायरेक्शन में, क्या मोमेंट सीखे, क्या वो पल सीखे जो एक कामयाब डायरेक्टर के लिए बहुत जरूरी होते हैं? देखिए सबसे पहले तो जो है बिहेवियर, कि आप किसके साथ किस तरह बिहेव करेंगे, मतलब एक्टर हैं, स्टाफ है, आपके टेक्नीशियंस हैं जी, और उनसे अच्छा काम लेने के लिए कैसे उन्हें इंस्पायर करेंगे जी, उनकी क्या पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं जिनके बारे में बातचीत करेंगे उन, ताकि वो आपके और करीब आ जाएं। मतलब कि यश जी तो सच मानों में
ऐसे नहीं कहते कि ये करना, लेकिन जो कुछ उस जिंदगी में करते हैं और वो आप उनके नज़दीक हैं तो आप जो हासिल करते रहते हैं जी, कि इतना बड़ा डायरेक्टर और उसका जो एटीट्यूड लोगों की तरफ है बिल्कुल जैसे आम फहम आदमी है, वो कोई इतनी बड़ी हस्ती नहीं, इस तरह बिहेव करते हैं और दिन रात मेहनत करते हैं, बहुत मेहनती हैं, जब कोई प्रोजेक्ट ले लिया तो उसके पीछे पड़ जाते हैं, दिन रात उठते बैठते सोचते जागते सोते जागते, उनका बिल्कुल एक ही चीज़ है वो सब्जेक्ट। तो इस तरह की बातें कई हैं उनके बारे में, तो मैं कुछ घंटों बात कर सकता हूँ। तो बहुत सीखा उनसे और बाकी टेक्निकल बातें भी नेचुरली उस दौर में जितनी सीखी, जो आज काम कर रहा हूँ उन्हीं से सीखा हुआ है। तो अब यह है कि उनका, उनके जितने भी असिस्टेंट्स हैं जी, जो थे और जो हैं, वो सब के सब जो हैं उनकी भाषा बोलते हैं, यानी कि उन्हीं की तरह वो काम करते हैं। यश जी, क्या से आपका निर्देशन का सफर शुरू हुआ? आपकी पहली इंडिपेंडेंट डायरेक्टोरियल फिल्म, यानी वो फिल्म जो आपने इंडिपेंडेंट रूप से निर्देशित की हो, उसका कोई जिक्र कीजिए, उसका गाना भी सुनाइए। यश जी के साथ मैंने इत्तेफाक के बाद एज असिस्टेंट दाग, दीवार, कभी कभी, त्रिशूल, काला पत्थर, ये सारी फिल्में की। तो इस दौरान उन्होंने मुझसे कहा कि तुम अपने सब्जेक्ट की तैयारी करो और जो तुम्हें पसंद है वो तुम आओ और मेरे लिए डायरेक्ट करो। तो दूसरा आदमी की कहानी जो हमने राजू सहगल से सुनी थी और सागर सरदी ने उसका स्क्रीन प्ले किया, डायलॉग लिखे, तो वो सब्जेक्ट जो था, यश जी ने कहा कि भाई तुम सोच लो, ये सब्जेक्ट जो है बहुत बोल्ड है, याने फ्यूचर का सब्जेक्ट है, तो ये करना चाहो तो भी मैं इसके लिए तैयार हूँ। तो दूसरा आदमी मुझे बहुत पसंद था और फिर मैंने वो फिल्म की, और जो बड़े सेंटर्स में यानी ए क्लास ऑडियंस जो जिसको हम कहते हैं, उसमें बहुत बड़ी हिट थी, ओवरसीज़ में बहुत बड़ी हिट थी, सिटीज़ में बहुत बड़ी हिट थी, तो उसका गाना। क्या मौसम है, अरे मिल जाए बस।
जैसा कि अभी आपने कहा कि आपके चाचा सागर सरहदी साहब थिएटर के लिए स्क्रीन प्ले, डायलॉग्स, स्क्रिप्ट्स लिखते थे, फिल्मों के लिए भी, तो मुझे लगता है थिएटर से जो आपको शौक रहा वो आपका अपना था या आपके चाचा जी से इंस्पायर होकर आप में वो शौक जागा? नहीं, पहले तो चाचा की वजह से ही शुरू हुआ। मतलब यह है कि वो खेलते थे, वो करते थे, तो मतलब इंस्पिरेशन तो घर में जो थी उन्हीं की थी। मेरे चाचा मेरे बड़े भाई भी हैं, वो मेरे पिताजी के छोटे भाई हैं और संग एक परिवार में साथ रहे, तो हमें तो कभी ये रिलेशनशिप तो बहुत देर के बाद समझ आई कि हमारे पिताजी के छोटे भाई हैं। तो स्वाभाविक है कि उनके जो कुछ वो करते थे मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ और वो ही मैंने करना शुरू किया और वहीं से इंस्पिरेशन मिली। तो नाटक भी खेलने लगा और फिर उनके नाटक मैंने डायरेक्ट किए, उनके लिखे हुए सब्जेक्ट्स डायरेक्ट किए। तो अलबत्ता जो उनसे भी बहुत सीखा है मैंने। तो नाटकों से शुरू हुआ आपका सफर फिल्मों में असिस्टेंट डायरेक्शन से लेकर यश चोपड़ा साहब की इंडिपेंडेंट फिल्म में डायरेक्शन तक एक लंबा सफर आपने तय किया। कुछ नाटक और सिनेमा के बीच में कुछ तालमेल है या कोई दूरी है या दोनों नज़दीक हैं, कुछ बताइए ज़रा। बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं और कई चीज़ें तो ऑब्वियस हैं जो अलग अलग हैं टेक्नोलॉजिकली। जी, तो देखिए अब करेक्टराइजेशन जो है, अब वो जो है नाटक में भी है और आप सिनेमा में है। इनफैक्ट जो मुझे पहले जो मेरी रूट्स में मेरे जड़ों में ये जो नाटक घुसा हुआ था उस वजह से कहानी का कहना, करेक्टराइजेशन, एक्टिंग, ये सारी चीज़ें जो हैं वहाँ से हासिल की हुई थी जिनकी मुझे बहुत मदद मिली। फिर टेक्निकलिटीज़ जब मैंने यश जी से सीखी तो वो दोनों चीज़ों का मेल जो है मेरे लिए बड़ा अच्छा रहा। अब थिएटर में एक स्टेज के ऊपर प्रोसोनियम थिएटर में आप नाटक करते हैं, हर जगह तो आप जा नहीं सकते जी, उस छोटे से दायरे में आप काम करते हैं, तो उसमें ज़्यादा चीज़ें होती हैं, डिपेंड करती हैं एक्टर पे। आपने डायरेक्शन की थी, सब किया था, लेकिन आज वो मालिक है जब वो काम कर रहा है। सही। लेकिन सिनेमा के माध्यम में डायरेक्टर का माध्यम है ये जी। इसमें एक्टर को मैं जो कहूँगा उसको वो करना होगा क्योंकि विजन मेरा है। करेक्ट। एक्टर का विजन नहीं है, तो ये तो एक बेसिक इस तरह का डिफरेंस है। आपने हमारी फिल्म इंडस्ट्री के बहुत बड़े एक्टर दिलीप कुमार साहब को भी डायरेक्ट किया है और ये बहुत अच्छी बात है। दिलीप कुमार साहब के साथ एज ए डायरेक्टर आपका कोई अनुभव? बहुत सारे अनुभव, यानी कि बचपन से हर आदमी की एक ख्वाहिश रहती है कि वो दिलीप कुमार के साथ काम करे या दिलीप कुमार को मिले, तो जो इस फील्ड में हैं वो ज़रूर चाहेंगे कि वो एक बार उन्हें इतने बड़ी हस्ती को डायरेक्ट करने का मौका मिले जो मुझे मिला। तो मैं जो उनके संग जब काम करने गया तो मैंने उनसे कहा, दिलीप साहब मैं मतलब बिल्कुल नया हूँ और आपके बड़े ऑ में हूँ, तो ऐसा क्या काम किया जाए कि मैं ज़रा नॉर्मल हो जाऊँ कि आपको डायरेक्ट कर सकूँ। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं तो बिल्कुल एक आम आदमी हूँ, उगता हुआ सूरज और डूबता हुआ सूरज देखने जाता हूँ, पतंग उड़ाता हूँ, पकौड़े खाता हूँ, तो जितनी बातें जो छोटी छोटी हर आम आदमी करता है वो मैं करता हूँ। तो अलबत्ता वो काफ़ी देर तक मुझे इस पे ले आए कि भाई मैं बिल्कुल कोई हवा नहीं हूँ, तुम आराम से काम करो। दूसरी चीज़ जो हमारी आपस में हुई वो कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर का मैं भी हूँ और वो भी वहीं से, तो हम एक ख़ास किस्म की पंजाबी, जो मेरे घर में पंजाबी बोली जाती है वो बोलते हैं, तो हमारा जो एक लैंग्वेज बोलते हुए उससे भी रहा जी। और एक्सप्रेशन एक दूसरे की बात जो है अपनी लैंग्वेज में कई बार करने में आसानी हो जाती थी बात करने की। अच्छा। तो आपकी इसी फिल्म का गाना सुनवा दिया जाए? जरूर। गहरे हल्के हल्के गहरे छाए शाम के साए, धीरे धीरे हौले हौले दिल की धड़कन गाए, तुम हो मैं हूँ और तन्हाइयाँ तन में
हल्के गहरे छाए शाम के साए, धीरे धीरे हौले हौले दिल की धड़कन गाए, तुम हो मैं हूँ और तन्हाइयाँ यश राज फिल्म्स के बैनर तले कई फिल्मों में एज चीफ असिस्टेंट और एज इंडिपेंडेंट असिस्टेंट भी काम किया। यश चोपड़ा जी की फिल्मों के अलावा और कौन सी ऐसी फिल्में आपने डायरेक्ट की जो आपको आज तक सेहरा देती हैं? बसेरा रमेश बहल, स्वर्गीय रमेश बहल की फिल्म थी। दूसरा आदमी के बाद मुझे काफ़ी देर तक काम नहीं मिला था कि भाई बड़ा कोई इंटेलेक्चुअल सा डायरेक्टर है ये, कुछ ऐसे सब्जेक्ट करना चाहता है जो शायद आम आदमी को ना पसंद हो। तो हम काला पत्थर की शूटिंग कर रहे थे, वहाँ रमेश बहल आए तो उन्होंने कहा यार तुम मेरे लिए पिक्चर डायरेक्ट करोगे? मैंने कहा क्यों नहीं करूँगा, ज़रूर करूँगा। उन्होंने कहा देखो भाई मेरी एक फिल्म बन रही है अभी कसमे वादे, अगर तो ये हिट हो गई तो बड़े ज़ोर से तुम्हारी फिल्म बनाऊँगा, और अगर ये ना भी चली तो भी तुम्हारे साथ फिल्म ज़रूर बनाऊंगा, वो बजट अलग होगा। तो वो अपने वादे पे कायम रहे, उनकी फिल्म बहुत कामयाब हुई और उन्होंने मुझसे कहा कि तुम बड़ी सी अच्छी सी फिल्म बनाओ। तो हमने बसेरा शुरू की जिसमें शशि कपूर साहब राखी रेखा ये रोल कर रहे थे और बड़ी इमोशनल और एट ए स्ट्रेच बनी थी, हमने 3 महीने में बनाई और बहुत ही अच्छा असर रहा उसका। अभी आपने बसेरा का जिक्र किया, उसका गाना है जहाँ पे सवेरा है वहीं पे बसेरा है, इस गाने की फिलॉसफी क्या है? ये कि भाई जहाँ रहो खुश रहो, जिंदगी जिस तरह आपको जिस तरफ ले जाए वैसे जीने लगो। यानी कहावत थी कि जहाँ रात हुई वहीं बसेरा कर लिया जी। तो गुलजार साहब उनकी आदत है कि एक अच्छा एक्सप्रेशन नया अपना सोचते हैं, तो उन्होंने कहा जहाँ सवेरा हो वहीं बसेरा है। जहाँ पे सवेरा हो बसेरा वही है, जहाँ पे सवेरा हो बसेरा वही है। And
पिछले दिनों आपकी एक और बड़ी फिल्म आई थी। हिंदुस्तानी फिल्मों के तीन बड़े सितारे इस फिल्म में एक साथ थे, ऋषि कपूर, संजय दत्त, माधुरी दीक्षित, और फिल्म का नाम था साहिबा। इस फिल्म की मेकिंग के दौरान आपके क्या क्या अनुभव हुए और इतनी बड़ी स्टार कास्ट को आपने कैसे चयन किया? नए प्रोड्यूसर मिस्टर डी के चावला आए थे और वो चाहते थे कि एक ऐसी फिल्म बनाए जो सेलेबल हो, तो उन्होंने कुछ कहानियाँ सुनाई जिसमें से एक कहानी अरमान शाहबी साहब की थी, साहिबा जी। तो वो कहानी मुझे पसंद आई और उसमें एक नेगेटिव शेड, जो ये शुरू हुआ था दौर के भाई जो हीरो है वो उसमें नेगेटिव स्टेट्स बहुत हैं, नेगेटिव शेड्स बहुत हैं, और वो किसी कीमत पर भी हीरोइन को हासिल करना चाहता है। तो जब मैंने ऋषि कपूर को कहानी सुनाई तो उन्होंने कहा भाई मेरा तो सीधा साधा रोल है, इसमें इस रोल में तुम किसे ले रहे हो? तो मैंने कहा भाई मेरा ख्याल है कि संजय दत्त सूट करते हैं और जैकी श्रॉफ सूट करते हैं, और उन्होंने कहा नहीं, हाँ बिल्कुल तुम्हारी चॉइस बिल्कुल करेक्ट है, तो मैं संजय दत्त से पहले बात करके देखता हूँ और तुम फिर उनसे मिल लेना। तो अगले ही दिन संजय दत्त से मुलाकात हुई, उसको रोल बहुत पसंद आया, तो उसने कहा भाई साहिबा का रोल कौन कर रहा है? तो हमने कहा भाई हमारे दो तीन जो लड़कियां चल रही हैं उन्हीं में से एक को लेने का हमारा इरादा है। तब देखते हैं, बातचीत चल रही थी, तब हमारी माधुरी जी से बात चल रही थी, वो प्राइज व्राइज ये वगैरह जो होता था वो सब चल रहा था, तो फिर इतने में वो बात ओके हो गई तो हमारे पास ये स्टार का जमा हो गई। अब इस फिल्म की ज़्यादातर जो आउटडोर में शूटिंग होती थी, ग्रामीण परिवेश है शायद इसका, हाँ ज़्यादा जो है वो नॉर्थ हिमाचल का बैकग्राउंड है, तो कुल्लू मनाली मैंने कुछ हमने 40 दिन वहाँ शूटिंग की, और हर टुकड़े के लिए जो अलग किस्म के, क्योंकि पहले जब हम शूटिंग किया करते थे तो कश्मीर में ज़्यादातर हमारी शूटिंग हुआ करती थी, वहाँ पे हमको जो बर्फ़ भी है और ग्रीनरी भी होती थी और पानी भी और वो सब सारा माहौल होता, तो अब हमको अलग अलग कई जगह पे जाना पड़ता है अलग अलग चीज़ लेने के लिए। ऊटी में जो चीज़ें अच्छी हैं तो हम ऊटी चले जाते हैं, और फिर जो बेंगलोर में है तो बेंगलोर में, और जो नॉर्थ में हिमाचल में शिमला में कुल्लू मनाली में, तो इस तरह सारी जगह मिल के तो हमने काफ़ी आउटडोर में शूटिंग की जी, जिसमें हमारे जो एक्टर्स हैं उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया, कभी भी कोई डेट कैंसिल नहीं की, और जो है सारे इसमें दौरान में बड़ी अच्छे ढंग से एक फैमिली की तरह काम हुआ। हमारे साथ एक बैड लक ये हुआ कि हमारे प्रोड्यूसर की डेथ हो गई, तो फिर फिल्म अटक गई, क्योंकि उनके जो जो उनके परिवार के लोग थे वो इंडस्ट्री के लोग नहीं, और वो कहाँ से पैसा आया, किससे क्या लेना है क्या देना है, वो सब करते करते बहुत देर लग गई, तो फिल्म काफ़ी देर से रिलीज़ हुई, बनने के दो तीन साल के बाद रिलीज़ कर पाए। तो वो फिर उसका जो है जो रिजल्ट भी रहा वो थोड़ा स्टेल हो गया था। जीऊंगा मैं अगर तू
साहब आपसे एक बड़ा ही व्यक्तिगत कहिए या व्यावहारिक सवाल कहिए पूछना चाहता हूँ। बड़ा सुरीला सवाल ये है कि आपकी फिल्मों में जो फिल्में आपने डायरेक्ट की हैं, चाहे वो यश जी की हो चाहे बाहर की हो, आपने तकरीबन वही संगीतकार वही गीतकार लिए हैं जो अमूमन यश जी की फिल्मों में आते रहे हैं। इसके पीछे आपका कोई भावनात्मक रिश्ता है या उनके संगीत की गति आपकी फिल्मों की गति से मैच करती है? यश जी के साथ काम करते हुए इन संगीतकारों के साथ और गीतकारों के साथ हमारे रिलेशंस अच्छे हो जाते हैं और फिर यह कि साथ उठते बैठते कई बार ट्यून्स की बात होती है, कई बार शब्दों की बात होती है, कई बार सब्जेक्ट्स की बात होती है, तो फिर जब हम वो सब्जेक्ट बनाने लगते हैं तो नेचुरली पहली चॉइस तो वही होनी चाहिए जिनके साथ आप डिस्कस करते रहे हैं वो बातें, तो एक तो ये है। और दूसरा यह है कि यश जी तो हमेशा अच्छा म्यूज़िक लेते रहे हैं, उनको हमेशा अच्छा म्यूज़िक मिलता रहा है और गुणी लोगों के संग काम करते रहे हैं, तो फिर हम क्यों ना गुणी लोगों के साथ काम करें। बहुत खूब रमेश साहब, आपकी एक और बढ़िया फिल्म रही है ज़माना। ज़माना के बारे में कोई ख़ास बात आप कहना चाहें? ज़माना एक्चुअली जब दूसरा आदमी रिलीज़ हो गई और जिस दिन मुझे बसेरा ऑफर हुई थी जी, उसी दिन ज़माना ऑफर हुई थी, यानी ये कि आज सुबह मैंने ज़माना की सिटिंग किया है और शाम को मुझे बसेरा के लिए फ़ोन आ गया था। मतलब आपके बसेरे का ज़माना आ गया था जी। तो एक्चुअली जावेद साहब और सलीम साहब इन दोनों के संग मैं जब मैं असिस्टेंट था तो त्रिशूल में काम किया, दीवार में काम किया जी, जी। तो उनका सब्जेक्ट था जी, तो जावेद साहब के घर पे ही मुलाकात हुई और उन्होंने कहा भैया ऐसी एक फिल्म है, हम इसमें पार्टनर हैं और आप डायरेक्ट करिए। और यह है कि फिल्म मसाला फिल्म है और आपका आप इसे इसलिए हम आपको चाहते हैं कि आप डायरेक्ट करें कि दो कलाकार हैं जिनको आप ही संग ला सकते हैं एक फिल्म में। अच्छा, अच्छा। मैंने कहा भाई कौन से कलाकार? तो कहने लगे राजेश खन्ना और ऋषि कपूर, दोनों एक साथ फिल्म में चाहिए। उस वक्त दोनों एक साथ काम करते नहीं थे, तो ऋषि के साथ चूंकि मैं पहले फिल्म कर भी चुका था, राजेश के साथ मैंने स्टेज किया हुआ है जी, उनके साथ इत्तफाक में मैं असिस्टेंट था, दाग में असिस्टेंट था, तो अलबत्ता मैंने दोनों को जाके सब्जेक्ट सुनाया और दोनों मान गए। तो सलीम जावेद और राजेश खन्ना ऋषि कपूर एक साथ इस फिल्म में पहली बार आपकी, तो ये मसाला फिल्म मैंने डायरेक्ट किया। मतलब ये इसका सेहरा तो आपके ही सर जाता है ना भाई, सलीम जावेद के सर जाएगा। एक बात है हमसे कहीं नहीं जाए, क्या एक बात है हमसे कहीं नहीं जाए, तुम ही समझ लो समझ में जो आए, एक बात है हमसे कहीं नहीं जाए, समझ लो समझ में जो आए। ये
हो जाए तुम ही समझ लो समझ में जो आए। अच्छा, और आप अपनी जिंदगी को सिनेमा के पर्दे से लेकर अपने निजी दिल और दिल की धड़कनों तक किस तरह देखते हैं? बड़ा मुश्किल सवाल है और इसके ऊपर तो किताब लिखी जाएगी। सर, मैंने सवाल इसलिए पूछा कि डायरेक्टर बहुत संवेदनशील आदमी होता है, वो घर में देखे या बाहर देखे जिंदगी, हर जगह वो जिंदगी को ही ढूंढता है, तो व्हाट इज द कॉम्बिनेशन बिटवीन द टू यू एज ए डायरेक्टर? देखिए, जो सब्जेक्ट दिल को भा जाए जी, अगर स्टेज पे कर रहा हूँ तो, अगर नाटक भा गया तो वो स्टेज पे डायरेक्ट कर लेते हैं, सीरियल है तो सीरियल में जो सब्जेक्ट पसंद आया वो डायरेक्ट कर लिया, और सिनेमा में भी जो पसंद आता है वो करता हूँ, चाहे मेरे पास 4 साल काम ना हो और 4 साल तक मुझे सब्जेक्ट पसंद ना हो, मैं नहीं करता हूँ। जब मेरे दिल को चीज़ छू जाती है तो मैं वो करता हूँ। अच्छा, तो ये बताइए कि आपने पिछले दिनों एक और फिल्म बनाई थी, एक बड़ा ही डिफरेंट सब्जेक्ट लेकर यंगस्टर्स के लिए, जिसका नाम था तेरा नाम मेरा नाम, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जी जी। उस फिल्म की कहानी का इंतखाब और नए सितारों का इंतखाब और तमाम फिल्म की मेकिंग के बारे में रोशनी डालिए। तेरा नाम मेरा नाम का जो सब्जेक्ट है, मेरे दिल्ली के दोस्त हैं अशोक लाल, उन्होंने सुनाया, और ये रिजर्वेशन पॉलिसी के ऊपर था जी, और लाइटर वेन में कॉमेडी थी, तो मैंने कहा क्यों ना इसे बनाया जाए। तो इसके लिए ऋषि कपूर और अनिल कपूर सोच रहे थे कि दोनों को संग बनाए, तो फिर सब्जेक्ट जो था उसमें जो एक्सपेरिमेंटल बात थी वो कुछ इस तरह की थी कि बड़ी स्टार कास्ट जो है वो नहीं सह पाती उसे, क्योंकि जब आप मैं जो फिल्म बनाने के लिए कमर्शियल चीज़ें बीच में डालते हैं तो वो सब्जेक्ट का सारा मज़ा निकल जाता, तो हमने नए लड़के लेके बनाने की सोची, तो करण शाह और अजीत पाल को लिया और तन्वी आजमी उनको लेके बनाई फिल्म। तो ये सब्जेक्ट जो था, फिर वो इसके लिए फाइनेंस भी हमने NFDC से लिया और छोटे बजट में ये फिल्म हमने बनाई, जिसमें कुलदीप सिंह ने म्यूज़िक दिया और गाने राजेश जोरी के। शुक्रिया रमेश जी। तो तेरा नाम मेरा नाम का गाना सुना दिया जाए? जरूर। तेरा नाम मेरा नाम, मेरा नाम तेरा नाम, कुछ भी हो तेरा मेरा नाम। तेरा नाम मेरा नाम, मेरा नाम तेरा नाम, कुछ भी हो तेरा मेरा नाम। नाम से क्या लेना, नाम से क्या लेना, हमें आदमी से क्या। तेरा नाम मेरा नाम, मेरा नाम तेरा नाम, कुछ भी हो तेरा मेरा नाम। तेरा नाम मेरा नाम, मेरा नाम तेरा नाम, कुछ भी हो तेरा मेरा नाम। नाम नहीं काम, काम कहना। ओ ये जो है नरेश, ये सुरेश हो सकता था। ये जो है महेश, ये दिनेश हो सकता था। ये जो है नरेश, ये सुरेश हो सकता था। ये जो है महेश, ये दिनेश हो सकता था। अरे दिलीप कुमार यूसुफ कहलाते फिर भी पाते पे। What is in a name? 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 अरे मंदिर हो या मस्जिद, हाँ मंदिर हो या मस्जिद, हमें बंदगी से काम। तेरा नाम मेरा नाम, मेरा नाम तेरा नाम, कुछ भी हो तेरा मेरा नाम। तेरा नाम मेरा नाम, मेरा नाम
रमेश जी, मेरे ख्याल में आप ही एक ऐसे फिल्मों से जुड़े हुए निर्देशक हैं जो थिएटर से भी बड़ी शिद्दत और बड़ी भावना के साथ जुड़े हुए हैं, मगर ऐसा लगता है कि फिल्मों के विकास के साथ साथ थिएटर का विकास नहीं हो सका है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या फिल्में थिएटर के विकास में रुकावट पैदा करती हैं, या फिल्में ज़्यादा सशक्त माध्यम है थिएटर की बजाय, या थिएटर अपने कारणों से उभर कर नहीं आ सका है। और इसके साथ एक सवाल और ये पूछना चाहता हूँ कि आपने जब भी अपनी फिल्में बनाई हैं उसमें आपने वन लाइन में तो कॉमर्शियल एक्टर्स लिए हैं, और सेकेंड लाइन एक्टर्स जितने भी हैं वो सब आपने अपने थिएटर ग्रुप के लोग लिए हैं, इसके पीछे आपका क्या? थिएटर में जो फाइनेंस की पोजीशन होती है वो ज़रा सा, मतलब कि आपके जो टिकट हैं उनका जो रेट होता है वो थोड़ा ज़्यादा रखना पड़ता है, क्योंकि वो 400-500 लोगों के लिए आप शो कर रहे हैं और उसके जो खर्चे हैं वो आज की डेट में बहुत ज़्यादा हैं, तो हर आदमी जो है वो थिएटर देख भी नहीं पाता। वो एक ख़ास लोग हैं जो थिएटर की अपनी ऑडियंस है वो देखने जाते हैं, और जो आम आदमी है वो सिनेमा देखता है और उसे उस 10 रुपये या 15 या 35 रुपये के टिकट में बड़े बड़े स्टार्स देखने को मिलते हैं। थिएटर स्टार जो होते हैं वो मतलब लोकल लोग ही जानते हैं और आम आदमी का उनसे इतना परिचित नहीं होता, और यही वजह है कि बहुत सारे थिएटर के लोग आज बाहर सीरियल्स वगैरह में काम करने लगे हैं, और उनकी डेट्स के लिए भी हमें को बहुत मारामारी करनी पड़ती है। तो ना ही आप जो है थिएटर में वो लोकेल्स देख पाते हैं, आज लोग स्विट्ज़रलैंड शूटिंग करने जाते हैं या बाहर के मुल्कों में जाते हैं और अपने हिंदुस्तान के अच्छी अच्छी जगहों पर जाके शूटिंग करते हैं, और यहाँ पे तो कोरी दीवारें होती हैं और वो जो है आपको आप देखना, मतलब वो देख के आपको उतनी वैरायटी उस तरह नहीं मिल सकती, सिर्फ आपको भावपूर्ण चीज़ें मिलेंगी, अच्छे अच्छे सब्जेक्ट्स मिलेंगे, अच्छे डायलॉग मिलेंगे, अच्छी परफॉर्मेंसेस मिलेंगी, तो जो लोग वो देखने के लिए तैयार हैं वो आते हैं, और ना ही आपको गाने देखने को मिलेंगे, क्योंकि थिएटर में बहुत कम प्लेज में गाने होते हैं और वो गाने भी वहीं स्टेज पर एक्टर खुद गा रहे होते हैं, ना कोई प्लेबैक होगा, ना कोई बड़ा म्यूजिक डायरेक्टर आएगा, ना उस तरह की रिकॉर्डिंग्स होंगी। तो ये जो है उन दोनों का जो मेल है, यानी दोनों में काफ़ी फ़र्क है जी। तो बाहर के मुल्कों में जो है गवर्नमेंट्स बहुत पैसा थिएटर वालों को देती हैं कि आप थिएटर करते रहिए, यहाँ पे भी मदद दी जाती है, ऐसा नहीं कि नहीं दी जाती, पर जो यह है कि सफिशिएंट नहीं हो पाती, यानी कि आप थिएटर करके आप अपनी रोजी रोटी और अपनी गाड़ी में पेट्रोल नहीं डाल सकते, जिंदगी नहीं चल सकती। तो इस वजह से थिएटर में कम प्रोडक्शंस होती हैं, वो जो मजबूरियां थिएटर की वो अपनी जगह है। अब रहा सवाल कि मेरी फिल्मों में थिएटर के लोग बहुत होते हैं, हाँ ये बात सच है, क्योंकि मैं उनकी परफॉर्मेंसेस देख चुका हूँ, उनका जो मयार है या वो कैरेक्टराइजेशन में कहाँ तक पहुँच पाएंगे, और बहुत सारे रोल्स करते हुए उन्हें मैंने स्टेज पे देखा है, और जब मैं कास्टिंग करने लगता हूँ तो उस किस्म का रोल जब आता है कहते यार वो रोल तो उसने बड़ा अच्छा किया था, तो इस किस्म की बात है। फिर वो इतने एक्टर हैं हमारे इप्टा में, 100 एक्टर हैं और 100 एक्टर्स ने बहुत सारे रोल किए हैं, तो इस वजह से ज़्यादातर लोग आप इप्टा के देखेंगे मेरी फिल्मों में, मेरे सीरियल्स में। रहा सवाल और मतलब कई बार NST के और बाहर के एक्टर दोस्त आते हैं और आके अप्रोच करते हैं, और अगर उनकी पर्सनैलिटी या उनकी टैलेंट के बारे में मुझे कुछ पता है और अगर उनको मैंने कहीं परफॉर्म करता हुआ देखा है तो फिर मैं उनको कास्ट करता हूँ। वेरी गुड, आपने उस सवाल का जवाब इतनी खूबसूरती से दिया है जो मुझ जैसे न जाने कितने आपके फैन ये सवाल जानना चाहेंगे। तो इस सवाल के इस खूबसूरत जवाब के लिए आपकी फिल्म सवाल का गाना क्यों ना बजा दिया जाए? जरूर। जिंदगी हसीन है, जिंदगी से प्यार कर, जिंदगी हसीन है, जिंदगी से प्यार कर, अपना हो या गैर हो, अपना हो या गैर हो, सब पे दिल निसार कर। हसीन है
तू अपनी हर खुशी को लोगों में बांटता चल, लोगों में बांटता चल। जाने क्या गम हो किसको, हर दिल में झांकता चल, हर दिल में झांकता चल। दुनिया के बाजार में दुनिया में हैरत है यारो, जब इस दुनिया में दिन है थोड़े दोस्ती निभाने के। कैसे मिलती है फुर्सत लोगों को, कैसे मिलती है फुर्सत लोगों को, करते है जो दुश्मनी जमाने से। दो पल की तो बात है, हो दो पल की तो बात है, बात खुशगवार कर। जिंदगी हसीन है, जिंदगी से प्यार कर, अपना हो या गैर हो, अपने दिल निसार कर। जिंदगी हसीन है, जिंदगी से प्यार कर, जिंदगी हसीन है। रमेश जी, ये तो रही आपकी फिल्मी यात्रा के बारे में जानकारी बजाते खुद आपसे। अब एक व्यक्तिगत सवाल, आपकी जिंदगी में, आपके परिवार में, आपके घर में, आपके हृदय के निकट कौन कौन लोग हैं जिन्हें आप प्यार करते हैं, जिनसे आप इंस्पायर होते हैं और जिनके लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं? मेरा परिवार बड़ा परिवार है, हम तीन भाई हैं, तीन बहनें हैं, उनका परिवार सब अपनी अपनी जगह शादी करके जी अलग 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 जगह चले गए अलग परिवारों में। और चाचा सागर सरदी, जिनके बारे में मैं कह चुका हूँ जी जी। और अब मेरा एक छोटा सा और परिवार जी, मेरी बीवी नीता और मेरे दो बच्चियाँ हैं, 8 साल की तान्या और 12 साल की पूजा, स्कूल में पढ़ती हैं। और बस ऐसी छोटी सी जिंदगी है और बड़े अच्छी तरह चल रही है और खुदा करे इसी तरह चलती रहे। वैसे तो आप रमेश जी बहुत व्यस्त रहे हैं जब से फिल्मों में आप आए हैं, जिंदगी ने आपको कुछ रुकने का ठहरने का मौका ही नहीं दिया। फिर भी अभी भी जब कभी आपके पास वक्त होता है, आप खाली वक्त होते हैं, आपको कहीं जाने की जल्दी नहीं होती है, तो उस खाली वक्त में आपके शौक क्या हैं, आपकी पसंद क्या हैं और आपका मूड और मिजाज क्या रहता है? ज़्यादातर तो मैं घर पे ही रहता हूँ, जब काम ना हो जी, किताब पढ़ ली जी, म्यूजिक सुन लिया जी, और शाम में इप्टा गए, थिएटर में बैठ के रिहर्सल देखी, कुछ रिहर्सल की जी। और बाकी जो है कि ज़्यादा मतलब उस किस्म के जो दूसरे शौक हैं ज़्यादा नहीं हैं, थिएटर का ही ज़्यादा शौक है, नाटक देखने चले जाते हैं, सिनेमा का अगर टिकट मिल गया तो वो देखने चले जाते हैं। अच्छा, बस इसी किस्म की बात है। रमेश साहब, आपके डायरेक्शन ने तो हिंदुस्तान के ऑडियंस को एक नया आयाम दिया है, बहुत अच्छी अच्छी फिल्में बनाई हैं, मगर आपने एक फिल्म प्रोड्यूस भी की है जिसका नाम है नूरी, तो डायरेक्शन से प्रोडक्शन में आना, इसके पीछे क्या मसले थे? ये चीज़ चाहते थे कि हम एक वर्कर्स के लिए फिल्म बनाएं जिसका प्रॉफिट वर्कर्स में शेयर किया जाए। तो मनमोहन जी के एक उन्होंने प्रॉमिस किया था कि मैं आपको एक फिल्म डायरेक्शन के लिए दूंगा जी। तो मनमोहन जी जब फिल्म डायरेक्ट करने लगे तो उन्होंने कहा कि भाई, यश जी ने कहा कि मैं बिजी हूँ इधर काला पत्थर में, तो तुम जो है ये मेरा काम तुम संभालो। तो मैं एसोसिएट प्रोड्यूसर बन के वहाँ गया, हम लोग अपने कश्मीर गए और वहाँ पे भदरवाह में हम
वहाँ पे कुछ 50 दिन एक साथ रहे और पिक्चर कंप्लीट करके यहाँ वापस आए, तो उसका जो प्रॉफिट था हम सब में बांटा गया था और वो बस ऐसी है। और नूरी तो बहुत ही कामयाब फिल्म रही थी, उसका म्यूजिक भी बहुत हिट हुआ था। तो आइए नूरी का एक गीत सुनाया जाए। जी जी, आपने बहुत अच्छी अच्छी फिल्में बनाई हैं, अपनी जिंदगी का बहुत बढ़िया खुलासा हमारे सुनने वालों को दिया है। एक बात जानना चाहते हैं कि भविष्य में आपकी क्या योजनाएं हैं? देखिए साहब, मैं आज भी अच्छा सब्जेक्ट ढूंढ रहा हूं जी, जो मुझे पसंद आएगा वही करूंगा। मैं हर फिल्म नहीं करता, जैसा मैंने आपसे पहले भी कहा है, अच्छा नाटक मिलेगा वो खेलूंगा, और अदरवाइज मतलब यह है कि मैं सिर्फ बिजी रहना नहीं चाहता। अगर मुझे, मैंने कहा ना कि मैं अगर फ्री हूँ तो मैं अपने बच्चों के संग बैठ के, घर पे बैठ के उनके साथ खेलूँगा, उनके साथ बातचीत करूँगा, उनकी पढ़ाई के बारे में बात सोचूँगा। लेकिन जब तक एक चीज़ जो मुझे पसंद आएगी तब तक मैं, तो कुछ सब्जेक्ट सब जो हैं पसंद आए हैं जिन पे काम हम शुरू है, तो देखिए जल्दी ही आप खबरें सुनेंगे। ईश्वर करे बहुत जल्दी आपके सपने आपके नए विषयों के साथ साकार हों। और अब जाते जाते आपसे मैं ये प्रार्थना करूँगा कि हमारे नई पीढ़ी को, इस नौजवान पीढ़ी को जो बहुत तेज़ रफ्तार से भाग रही है, क्योंकि आपने दो दौर देखे हैं, उस दौर से चल के इस दौर तक आए हैं, आप अपने अनुभवों के आधार पर इस नई पीढ़ी से कुछ कहना चाहेंगे? नई पीढ़ी जो है वाकई बहुत रफ्तार से चल रही है जी, और रफ्तार तो चाहिए लेकिन शायद इतनी नहीं।
अब मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग जो हैं कहीं से भी चलते हैं और आके कहते हैं कि साहब मुझे राइटर बनना है, मुझे एक्टर बनना है, मुझे हीरोइन बनना है। तो आज की डेट में नए लोगों को जल्दी काम उस नहीं मिल पाएगा जब तक कि वो ट्रेंड ना हो। बजट्स बहुत बढ़ गए हैं, रिस्क बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। अगर लोग जो नए लोग हैं जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, लेखक बनना चाहते हैं, वो पहले नाटक लिखें, किताबें छपाएं। जो एक्टिंग करना चाहते हैं वो एक्टिंग स्कूल में जाएं, NST में जाएं, FTI में जाएं या कहीं ट्रेन हो। वरना आज की डेट में सिर्फ तस्वीर देखकर आपको चांस नहीं मिल सकता। मतलब अक्सर हमारे साथ सुबह से होता है कि कोई दिन ऐसा नहीं जाता जहाँ जब कोई एक नया आदमी नहीं आता। तो जब नया आदमी आता तो पहली बात है कि साहब वो मैंने कहानी लिखी है, मैंने गीत लिखा, आप मुझे ले लीजिए। तो उनको ये पता नहीं होता कि गीत आपने लिखा है और वो एक निर्देशक आपका गीत यूं नहीं ले सकता। कहानी बनती है, म्यूजिक डायरेक्टर अपनी ट्यून बनाता है, उसके बाद जो लिरिक्स जिसका उनके जिनके संग काम कर रहे हैं उनका सूट करता है उसे लेते हैं। नए गीतकार का आना पहले उसका अपना अलग किस्म का स्ट्रगल है यहाँ पे, और वो आपको म्यूजिक डायरेक्टर ही बता सकते हैं कि स्ट्रगल किस तरह होता है। सही। और विदाउट ट्रेनिंग अपना घर बार छोड़ के पैसे खर्चा करके आना ठीक नहीं है, मुमकिन। यहाँ जल्दी काम नहीं मिलेगा, सालों साल लग जाते हैं यहाँ पे आपको चांस मिल अपनी पहचान बनाने, में। और इस वजह से आप मतलब शौक रखिए और ज़रूर बनिए। बहुत सब लोग नए आए हैं पहले और फिर बाद में बने हैं, लेकिन अब जो है उसकी आपके पास खूब तैयारी होनी चाहिए। बहुत मेहनत करिए और फिर आइए इंडस्ट्री में। वाह वाह, बहुत ही अच्छा रहा रमेश जी। और हमारे सुनने वालों को आपके मुंह से खुद आपकी बातें सुनकर बहुत आनंद आया होगा। नमस्कार। नमस्कार। सेलुलाइट के सितारे। इस कार्यक्रम में आज आपने सुनी जाने माने निर्माता निर्देशक रमेश तलवार से राजेश जौहरी की बातचीत। इस कार्यक्रम को तैयार करने में तकनीकी सहयोग दिया गणेश सांगले ने। इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता हैं शकुंतला पंडित।